नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। सभापति ने 5 दिनों के कार्यों का दिया ब्यौरा। एनडीए के कई एमएलसी ने अपनी ही सरकार का किया विरोध। 15 अगस्त 2025 से होगा पटना मेट्रो का परिचालन। मेट्रो के पहले चरण में 32,506 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। डिप्टी सीएम ने विधानसभा में दी जानकारी। 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंचे वित्त मंत्री। दरभंगा और झंझारपुर के कार्यक्रम में लिया भाग। 1021 करोड़ रुपए का रोजगार उन्मुख ऋण होगा वितरित। IGIMS अस्पताल की बढ़ेगी बेड क्षमता। दिसंबर से जोड़े जाएंगे 500 अतिरिक्त बेड। राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत। शाहिद अफरीदी ने BCCI की आलोचना की। भारत के पाकिस्तान ना जाने पर दी नसीहत। 26/11 हमले की दिलाई याद। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज दोपहर 12 बजे के बाद बिहार विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पिछले 5 दिनों के कार्यों का ब्यौरा दिया और सदन में सहयोग देने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। इस दौरान एनडीए के कई एमएलसी ने शिक्षा विभाग के फैसले पर अपनी ही सरकार को घेरा। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव और जदयू के संजीव कुमार ने शिक्षकों के मुद्दे पर सवाल उठाए। शशि यादव ने रसोइयों के कम वेतन पर चिंता जताई और मानदेय बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पाठक के आदेश पर शिक्षकों के वेतन कटौती का भी विरोध किया गया। 15 दिसंबर से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। सीएम के दौरे के दौरान प्रमुख योजनाएं जैसे 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद और जमीनी स्तर पर योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की यात्रा से संबंधित जिलों के 5 गांवों की जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए 225 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ये नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा होगी और इससे पहले वे 14 बार राज्य दौरे पर जा चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 32वीं बार बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया है। इस बार टॉप 10 में 9 महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है और एक पुरुष अभ्यर्थी शामिल है। हर्षिता सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं सुकृति अग्रवाल और सुप्रिया गुप्ता क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही हैं। टॉप 10 में सिर्फ एक पुरुष अभ्यर्थी ही सुरेंद्र कुमार अलीगढ़ से शामिल हुए हैं। मुख्य परीक्षा में 463 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें से 153 अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में जगह मिली है। शनिवार कट ऑफ अंक भी घोषित किए गए, जो EWS श्रेणी को छोड़कर पुरुष और महिला दोनों के लिए समान थे। अगले साल 2025 में पटना की मेट्रो रेल सेवा शुरू होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बताया कि पटना मेट्रो का परिचालन 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 32,506 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी। इस फंड का उपयोग पर्यटन विभाग के कई परियोजनाओं जैसे कैमूर जिले में पर्यटन केंद्र के विकास में भी किया जाएगा। पटना मेट्रो के पहले चरण में 2 प्रमुख कॉरिडोर होंगे, एक उत्तर दक्षिण यानी पटना जंक्शन से दानापुर और एक पूर्व पश्चिम यानी कि पटना साहिब से एम्स तक। सरकार मेट्रो के लिए 33 करोड़ रुपए में एक ट्रेन खरीदने की योजना बना रही है। आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पटना पहुंची और फिर दरभंगा के लिए रवाना हो गई। वे बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें शुक्रवार को दरभंगा और शनिवार को झंझारपुर में कार्यक्रम में भाग लेंगी। दरभंगा में वे 45,000 लोगों के बीच 1300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगी, जो उद्यमिता, कृषि और वाहन खरीद के लिए होगा। इसके बाद वे दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के आवास पर सांसद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को झंझारपुर में 1021 करोड़ रुपए का रोजगारोन्मुख ऋण वितरण होगा। इस दौरान कई प्रमुख नेता भी उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री का ये दौरा बिहार के विकास और रोजगार सृजन के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। बिहार विधानसभा सचिवालय में 8 विभिन्न पदों के लिए आवेदन फिर से शुरू किए गए हैं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी,
कनीय, लिपिक, निजी सहायक और पुस्तकालय परिचारी जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन 29 नवंबर से 13 दिसंबर 2024 तक किए जा सकते हैं। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन प्रक्रिया में बिहार के मूल निवासियों का आरक्षण और सीमा में छूट शुल्क जनरल ओबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 100 से 675 रुपए के बीच है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव देखा गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के बागी विधायक सीएम नीतीश कुमार के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गए, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर के निर्देश पर उन्हें उनकी निर्धारित सीट पर भेज दिया गया, जो स्पीकर के सामने है। बागी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि उनकी सीट पहले से तय थी और सीट नंबर 202 पर बैठने का अधिकार उन्हें है। उन्होंने इसे लेकर कोई विवाद नहीं बताया, लेकिन पिछले दिन हुए बवाल को गलत बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे सत्ता पक्ष के साथ हैं और स्पीकर के फैसले का सम्मान करते हैं। पटना के आसियाना नगर में स्मार्ट बिजली मीटर से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घरेलू उपभोक्ता को एक महीने का 6 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल भेजा गया। शिखा कुमारी के 3 कमरे के फ्लैट में सामान्य रूप से 5,000 रुपए तक का बिजली बिल आता था, लेकिन नवंबर का बिल अचानक 6 करोड़ रुपए का आया। बिजली विभाग के इंजीनियरों के मुताबिक मीटर कभी कभी रिवर्स हो जाता है, जिससे बिल ज्यादा दिखता है। मामले की जाँच चल रही है और विभाग ने गलती स्वीकार की है। शिकायत के बाद बिजली की आपूर्ति रात 8 बजे बहाल की गई और सुधार की प्रक्रिया जारी है। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत कहा गया है कि अगले महीने से राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS में बेड क्षमता बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से IGIMS अस्पताल में दिसंबर से 500 बेड और जोड़े जाएंगे। इस विस्तार के साथ अस्पताल की क्षमता बढ़कर और अधिक मरीजों को उपचार प्रदान कर सकेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि इसका उद्घाटन अगले महीने होगा, जो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी सौगात साबित होगा। ये कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा बिहार इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होने वाला है। ये कार्यक्रम 29-30 नवंबर को पाटलिपुत्रा खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता में 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 200 खिलाड़ी ऑनलाइन मुकाबले के बाद स्टेट फाइनल में पहुंचे। इसमें BGMI, EAFC 24, रियल क्रिकेट 24 और ई चेस खेल शामिल है। विजेता टीम को 1,00,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले को 75,000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। व्यक्तिगत विजेता को भी नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय खेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। अगले साल मार्च में पटना विश्वविद्यालय यानी PU में छात्र संघ चुनाव आयोजित होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। हालांकि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन जनवरी में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है। बैठक में छात्रावासों की स्थिति पर भी चर्चा हुई और कहा गया है कि जल्द ही छात्रावासों की मरम्मत का आवंटन किया जाएगा। दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है, जिसमें छात्रों ने आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की। उनका कहना है कि चुनाव की तारीख घोषित होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली रवाना हुए। इससे पहले सितंबर में उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। 76 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को दिल से जुड़ी समस्याएं थी और उन्हें एंजियोप्लास्टी भी करानी पड़ी थी। नवंबर 2022 में उनकी बेटी रोहिणी ने उन्हें किडनी दान की थी और सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लालू की नियमित जाँच दिल्ली के अस्पतालों में होती है। वे अपनी बड़ी बेटी भारती के घर रहकर जांच करवाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी कविराज रामलखन सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके लिए सीएम नीतीश अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में कविराज रामलखन सिंह स्मृति वाटिका पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने अपनी मां
परमेश्वरी देवी और पत्नी मंजू सिन्हा के प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार और परिवार के अन्य सदस्य भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा मंत्री मोहम्मद जमा खान, जदयू नेता मनीष कुमार वर्मा और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने गाँव में स्थित भगवती मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। आने वाले साल में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पर का सुझाव दिया है, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खारिज कर दिया है। अब इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम को वहां जाने में कोई समस्या क्यों होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खेल और राजनीति को मिलाना सही नहीं है और टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। आपको बता दें कि पीसीबी ने कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान का भारत दौरा मुश्किल हो सकता है। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। बीसीसीआई टीम इंडिया को लेकर पाकिस्तान भेजने के खिलाफ है, जबकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर सहमति नहीं देता तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी उससे छिन सकती है और ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका या यूएई में हो सकता है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने इस मामले में बीसीसीआई की आलोचना की है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा है कि राजनीति और खेल को मिलाकर बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल न अपनाने के फैसले के साथ खड़ा हूँ। इस दौरान उन्होंने 26/11 हमले की याद दिलाई और कहा कि वो भी तब जब पाकिस्तान ने 26/11 के बाद सुरक्षा कारणों की परवाह न करते हुए 5 बार भारत का दौरा किया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विजय घायल, परशुराम सिंह, सपना कुमारी, परवेज अंसारी, ओमकार सिंह, सत्यम सिंह, मोहम्मद जेम्स, राम बाबू दास, संजीव कुमार, आलोक प्रियदर्शी, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, सानवी गुप्ता, बलराम साह, नौसाद रजा, अनूप कुमार, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।